बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर आफाक सन सीरीज क्लास 5 लर्निंग चेक 7.4 ज्योमेट्री। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है पी क्यू आर, जिसमें एंगल पी जो है वो 80 डिग्री का है। आपने एक लाइन बनानी है जो कि 5 सेंटीमीटर की है पी क्यू, और एंगल क्यू जो है वो 40 डिग्री का है। ऑल्सो मेजर द रिमेनिंग एंगल एंड साइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने करना ही है कि सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है पी क्यू, और वो 5 सेंटीमीटर की है, तो आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लें, ड्रॉ कर लें। आपने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है पी क्यू, इसको नाम दे दें, एक एंड पॉइंट को पी और दूसरे को क्यू दे दें। अब आपने डी इस्तेमाल करनी है, और पी पे जैसे लिखा गया है कि आपने 80 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आपने डी जो है वो पी पॉइंट पे रख देनी है, और 80 डिग्री का आपने निशान लगा लेना है। अब इसको आपने पी से ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट को, और आप बेशक इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्यू पे जो है वो 40 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपने क्यू पे जब रखना है, क्योंकि ये लाइन की राइट हैंड है, तो आपने डी के ऊपर वाले एंगल पढ़ने हैं, और डी के जो ऊपर वाले एंगल 40 है, वहाँ पे आपने एक डॉट लगा लेना है। और अब आपने इस डॉट से क्यू को मिला देना है, और इस लाइन को आप बेशक एक्सटेंड कर लें। तो आपके पास ये ट्रायंगल बन चुका है। यहाँ पे आप लिख लें कि ये 40 डिग्री का एंगल है, ये 80 डिग्री का आपने एंगल बनाया था, पी क्यू, और तीसरा नाम आपको ट्रायंगल का दिया गया है आर, और वो ये वाला पॉइंट है। आप चाहें तो ये जो इजाफी लाइन है इसको आप इरेज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर दी है मैंने, तो अब आपने सवाल के मुताबिक रिमेनिंग एंगल, यानी वो जो एक एंगल बाकी रह गया है, उसको मेजर करना है। उसके अलावा आपने जो साइड्स हैं उनको भी आपने मेजर कर लेना है। ये 5 सेंटीमीटर पी क्यू क्योंकि हमने ड्रॉ की थी, बाकी आपने खुद मेजर कर लेनी है। ये पी आर जो है ये 4 सेंटीमीटर है, जबकि आर क्यू जो है वो 5.7 सेंटीमीटर है। एंगल आर को आपने मेजर कर लेना है। उसके लिए आपने डी जो है वो लाइन पी आर पे रख लेनी है, डी की ये वाली लाइन जो है, और आप ये देखें कि ये जो लाइन है ये 60 डिग्री पे बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब जो एंगल आर है वो 60 डिग्री का है, तो आप यहाँ लिख दें कि ये 60 डिग्री है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम एंगल भी लिख दिए और तमाम साइड्स को भी मेजर करके लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल ए इज 75, लाइन ए बी इज 6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल बी इज 35 डिग्री। ऑल्सो मेजर द रिमेनिंग एंगल एंड साइड्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ ट्राइंगल के एल एम इन विच लाइन एल एम इज 5.2 सेंटीमीटर, लाइन के एल इज 3 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल के एल एम इज 45 डिग्री। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि ये एंगल में तो तीन लेटर्स आ गए, तो 45 डिग्री बनाना किस पे है, के पे, एल पे या एम पे? तो याद रखना है कि जो सेंटर वाला लेटर होता है आपने हमेशा उस पे एंगल बनाना है। इसका मतलब मुझे एल पे ये एंगल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने कंस्ट्रक्ट करता हूँ। पहले मैं एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ एल एम, यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर की। तो ये 5.2 सेंटीमीटर की लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट कर ड्रॉ कर ली है, इसको नाम दे दें आप एल एम, और ये 5.2 सेंटीमीटर की आपने ड्रॉ की है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एंगल ड्रॉ करना है, एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 45 डिग्री का एल पे। तो आप डी को एल पे रख लें और 45 डिग्री का निशान लगा लें। 45 जो है वो 40 और 50 के दरमियान जो लाइन आपको बड़ी नज़र आएगी वो 45 डिग्री का एंगल है। और याद रखना है, अगर आपने लाइन के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट एंड पे रखना है, तो आपने डी के नीचे वाले एंगल पढ़ने हैं, और अगर राइट पे रखना है तो आपने डी के ऊपर वाले एंगल पढ़ने हैं। अब आपने इस पॉइंट को एल से मिला देना है, और बेशक आप इसको एक्सटेंड कर लें, और यहाँ पे आप बेशक लिख लेंगे ये 45 डिग्री का आपने एंगल बना लिया है। अब आपने करना ये है, जो बाकी काम रह गया है वो एक और साइड है के एल, कितने सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की। अब आपने एल पे स्केल रख लेना है, और 3 सेंटीमीटर का जो है वो आपने एक
पॉइंट जो है वो लगा लेना है इस लाइन पे। तो ये मैंने पॉइंट लगा लिया है, इस पॉइंट से मैं एम को ज्वाइन कर दूंगा। तो ये मेरे पास के आ चुका है, के एल जो है वो 3 सेंटीमीटर का है, ये मैंने स्केल रख के एल पे, तो ये जो लाइन थी 45 डिग्री वाली इसके ऊपर मैंने 3 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगा लिया था। तो इस तरह ट्रायंगल के एल एम जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। इसमें रिमेनिंग साइड जो है आप वो मेजर कर सकते हैं, अगर आपने करनी है वो 3.5 के करीब है सेंटीमीटर, और आप चाहें तो रिमेनिंग एंगल्स भी मेजर कर सकते हैं क्वेश्चन में, हालांकि नहीं कहा गया, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर लर्निंग चेक 7.4 जो है वो ख़त्म होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।